हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल सरकारी अध्यापक। तो आज हम मैथमेटिक्स पार्ट टू करेंगे। जो हमारी क्लास चल रही है वो आपकी सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, रीट सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको हर लेवल का क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा। आपको मतलब आपको इस क्लास को करने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, पूरी क्लास को ध्यान से देखना है। तो मैंने आपको कल पार्ट वन कराया था जिसमें कुछ आपको चुनिंदा क्वेश्चन कराए थे जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको दूसरे पार्ट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको करने की ट्रिक भी बताऊंगा कुछ की, और बेसिक तरीका भी बताऊंगा। तो इसलिए आप पूरी क्लास ध्यान से देखें और अंत में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें से हमें बताना है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, 161, 221, 183, 437। अब आपको बताना है अभाज्य संख्या कौन सी है इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्या हमारी होती क्या है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में। तो अभाज्य संख्या होती क्या है आपकी, ऐसी संख्या जो स्वयं से और सिर्फ एक से कटती हैं, जो स्वयं से और सिर्फ एक से कटती हैं वो हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। क्या होती हैं हमारी, अभाज्य संख्या होती हैं। किससे, स्वयं से कटें और एक से कटें, तो वो क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर, जिन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी, कौन सी होती है, दो होती है। तो दो एक ऐसी संख्या है आप सिर्फ जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम संख्या है। कौन सी संख्या है, इवन नंबर है, और बाकी के जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होंगी। दो को छोड़कर, किसको छोड़कर, दो को छोड़कर जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं सारी क्या होंगी, विषम होंगी। सिर्फ दो ही एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है आपका, सम होता है और अभाज्य भी होता है। तो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपकी कौन सी होगी, दो होगी। कौन सी होगी, दो होगी। तो ये चीज़ आपके समझ में आओगी अभाज्य क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं संख्या लिख लूँ दो के बाद, जैसे कोई संख्या है तीन, अब तीन जो है एक से कटेगा या फिर तीन से कटेगा, इसके अलावा तो किसी से नहीं कटेगा। तीन, पाँच लिखूँ मैं, पाँच भी एक से कटेगा और पाँच से कटेगा, इसके अलावा तो किसी से नहीं कटेगा पाँच। तो ये क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या है, ये क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब बात आती है अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे देख के कि अभाज्य संख्या है। तो एक एक तरीका होता है अभाज्य संख्या को पहचानने का, बहुत तरीका है आपका, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। सभी अंकों को जोड़कर या तो आप उसमें प्लस वन या माइनस वन करके तीन का डिवाइड कर सकते हैं तो आप पता चल जाए। जैसे मान लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे पहला चारों ऑप्शंस करके दिखाता हूँ आपके समझ में आएगा फिर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 161, सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी के अंकों को जोड़ लेना है, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 में या तो प्लस 1 करें या फिर 8 में माइनस 1 करें। अगर किसी प्लस 1 करके या माइनस 1 करके 3 से डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या है नहीं है। जैसे मान लीजिए इसमें अगर मैं 8 में 1 जोड़ूं और 3 का डिवाइड करूं तो 9 डिवाइड 3 चला जाएगा, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता करना है, या तो प्लस वन करके तीन का डिवाइड जाएगा, माइनस वन करके तीन का डिवाइड जाएगा, एक में तो जाएगा ही। जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या था हमारा, सभी अंकों को जो आठ आया, अब हम मन में ही सोचेंगे आठ में अगर मैं एक जोड़ दूँ और तीन का डिवाइड चला जाएगा मेरा, आठ में मैंने एक जोड़ा, नौ, नौ में तीन का डिवाइड जा रहा है, तीन तीन नौ जा रहा है, तो मेरी अभाज्य संख्या नहीं है ये। समझ में आ गई आपको ये बात, इस तरह से आपको करना है, या तो माइनस वन करके तीन का डिवाइड जाएगा, तो किसी भी तरीके से आपका जाएगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है पहचानने की। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, दो दो वन, अब दो दो कितना हो गया, दो और दो, दो और दो हो गया आपका चार, चार और एक कितना हो गया पाँच। अब मैं सोचूंगा पाँच में अगर मैं एक जोड़ दूँ छः, तो छः में तीन का डिवाइड जा रहा है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी कट गया सेकंड ऑप्शन। इस तरह से हम सोचेंगे मन में। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 183, आठ और एक नौ, नौ और तीन कितना हो गया बारह। अब बारह में या तो मैं प्लस वन करूँ तो भी तीन का डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि बारह में अगर मैं एक जोड़ूँ तो तेरह हो जाएगा, तेरह में भी तीन का डिवाइड नहीं जाता, या बारह में से एक माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, ग्यारह हो जाएगा, इसमें भी हमारा तीन का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। ये हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या हो गई। तो आपको तरीका समझ में आया होगा अभाज्य संख्या को निकालने का। क्या बताया मैंने, या तो प्लस वन करके सभी अंकों का योगफल करके, प्लस वन करके तीन का डिवाइड जाएगा या माइनस वन करके तीन का डिवाइड जाएगा, यदि नहीं जा रहा तो वो अभाज्य संख्या है।
ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, 4 3 7 है, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 में अगर मैं एक जोड़ दूँ तो 15 हो जाएगा, तो 3 3 का डिवाइड जा रहा है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि आवाज़ी संख्या कौन सी है ये। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मज़ा आया ट्रिक देख के। तो ये तरीका होता है आपको आवाज़ी संख्या पहचानने का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी संख्या को, किसमें कह रहा है, किसी संख्या को 397 से भाग देने पर शेषफल 39 आ रहा है। क्या कह रहा है इसमें, किसी संख्या को 397 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है आपको, 39 आ रहा है। तो इन संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है, आपके पूछा गया DSSB में, मैथ में आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये। किसी संख्या को, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है आपका ये, किसी संख्या को 397 से भाग देने पर शेषफल 39 आ रहा है, तो इन संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसका अगर आप बेसिक मेथड देखेंगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, अगर आप इसका बेसिक मेथड पर जाएंगे तो बहुत ही क्या हो जाता है, वो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम इस सवाल को बेसिक मेथड से बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा करने की, आप सवाल देखते ही आंसर निकाल देंगे। तो वो ट्रिक क्या है देखते हैं हम। अगर देखिए 397 से भागते हैं तो शेषफल क्या आ रहा है, 39 आ रहा है, तो आप शेषफल को पकड़िए, किसे पकड़िए, शेषफल को, शेषफल कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। अब कह रहा है इन संख्याओं को 17 से भाग देने पर, आप संख्या पर मत जाइए, शेषफल पर जाइए, सीधे किस पर जाएंगे आप, शेषफल पर जाएंगे, ठीक है। अब इन संख्याओं को 17 से भाग देने पर, अब हम 39 में ही 17 का डिवाइड देंगे, किसमें, हम 39 जो शेषफल आया है हमारा उसी में हम अगली संख्या का डिवाइड दे देंगे, और जो शेषफल बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या आया हमारा, 39 है, यहाँ पे शेषफल से मतलब है हमें, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, शेषफल जो बच रहा है उसी में अगली संख्या का डिवाइड दे दीजिए आप। अब 39 है, 39 में अगर हम 17 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 17 दूनी 34, कितना बचेगा शेषफल, 5 बचेगा, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो आपको ट्रिक कैसी लगी जरूर कमेंट कर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप ये बात को, ठीक है। आपको क्या करना है, शेषफल पर ध्यान देना, सीधे किस पर ध्यान देना, शेषफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी तरेंगे, इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दें, इस संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 आ रहा है, 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे मुझे जल्दी से। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, आपको शेषफल पर ध्यान देना है, सिर्फ किस पर ध्यान देना है, शेषफल पर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है 114 से, हमें मतलब है केवल शेषफल, शेषफल कितना आ रहा है, 21, और 19 से भाग देने पर, तो 19 में हम 21 का भाग देंगे तो 19 से कम 19 कितने बचेंगे, 2, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा करने का तरीका है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मॉडरेट लेवल भी आएगा, वो भी मैं आपको कराता जाऊँगा, धीमे धीमे बढ़ेंगे और सारी चीज़ें क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। इस संख्या के वर्ग, यहाँ पर क्या है, वर्ग, ये कट गया आपका, इस संख्या के वर्ग को, किसको, इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो हमें इसका आंसर बताना है। तो उस तरह के सवाल है, पर इसमें क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, केवल क्या कर दिया, वर्ग। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया इससे कोई मतलब नहीं है, जो शेषफल आ रहा है उसी से मतलब है हमें। अब हमें इसमें क्या बोल दिया, वर्ग कह दिया, तो हमें शेषफल का भी वर्ग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, शेषफल का भी हमें क्या करना, वर्ग करना पड़ेगा। तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, 3 का क्या कर देंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, क्या होता है, 9 होता है। अब 9 में हम किसका डिवाइड दे देंगे, 6 से हम किस में, 9 में डिवाइड दे देंगे, 6 5 6 कितने बचेंगे, 3, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको अपने माइंड में बिठाना है, या वर्ग बोल दे, घन बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो आपको सारा इफेक्ट कहाँ डालना है, आपको रिमाइंडर पे डालना है, किस पे डालना है, रिमाइंडर पे डालना है। वर्ग बोले, घन बोले, कुछ भी बोले, तो आपको सारा इफेक्ट जाकर आपको रिमाइंडर पे डाल देना है। रिमाइंडर जो है उसी को आपका वर्ग करना है, उसी को आपको घन करना है, चाहे वो वर्ग बोल रहा है, चाहे वो घन बोल लो, चाहे वो मल्टीप्लाई बोल लो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। हमें मतलब नहीं है इस वाली संख्या से, सॉरी, हमें मतलब है इस वाली संख्या से, इसमें बोल रहा है वर्ग कर दो, तो वर्ग आपको शेषफल का कर देना है, शेषफल जो बच रहा है, कितना बच रहा था, 3 बच रहा था, तो 3 का वर्ग करा 9, मन में सोचेंगे 3 का वर्ग करा 9, 9 में किसका डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे, तो 6 1 6 कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो 3 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए,
इसी संख्या को, जो तो आपका हो गया, दो बार रिपीट हो गया, 497 के समीप तम ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है 457 के समीप जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। देखिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए सभी के, जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने में। तो मैं एक दिन आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल एक एक करके सारे समझा दूंगा, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, और काफ़ी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन नहीं, दो तीन क्वेश्चन आपके 100% आते हैं, चाहे आप सुपर टेट में देख लीजिए, चाहे DSSSB में देख लीजिए, KVS में देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर रखेगा आपके डिविजिबिलिटी रूल पर। तो डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको 11 का अगर इसमें रूल पता है तो आप जल्दी से सॉल्व कर देंगे। ये तो आपको तीन अंकों की संख्या है केवल, सारी चारों संख्या जो आपके तीन अंकों की हैं, बहुत बड़ी भी आ जाती है तो बहुत दिक्कत होती है हमें सॉल्व करने में। तो आपको मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ क्या होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है आप सम अंकों को जोड़ लीजिए और विषम अंकों को जोड़ लीजिए, उनका अंतर अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी 11 से डिवाइड होगी, ये आपका है ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं संख्या ले, जैसे 450 है, 450 में सम अंकों का जोड़, सम अंक कौन कौन से हैं, यही तो सम अंक है दूसरे नंबर पे जो आ रहा है, और ये पहला और तीसरा तो क्या है हमारे विषम अंक है। विषम अंक मतलब है मेरा विषम अंक पे आ रहा है ये, जैसे मान लीजिए ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है ठीक है, और भी नंबर हो सकते हैं आगे। तो पहला नंबर और तीसरा नंबर तो विषम अंक पे आ रहे हैं, तो इनका जोड़ कर लीजिए, 4 और 0 कितने हो गए 4, और सम अंकों का जोड़ सम अंक अपने आप में अकेला है 5, 5 में से 4 इनका अंतर देखेंगे, फिर 5 में से 4 का 1, 1 11 से डिवाइड होता नहीं होता, तो ये हमारी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए 451 क्या है हमारे, 451 तो सम अंकों को जोड़ लिए, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, बीच वाला भी क्या हो गया अकेला है वो 5 में से 5 जाएंगे 0, तो 11 से 0 डिवाइड हो रहा है, तो 451 हमारा क्या हो गया 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगले ऑप्शन भी करके देख लीजिए, मैं आपको क्लियर फिकेशन दे देता हूँ इनका भी ठीक है। 460 तो 4 और 0 कितने हो गए 4, 6 ये हो गए, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 11 से डिवाइड नहीं होता, ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। 462 भी देख लीजिए, तो 4 और 2 हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, बीच में भी कितना आ रहा है 6, तो 2 ये संख्या भी हमारी क्या होगी 11 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या भी क्या हो जाएगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें 451 भी 11 से डिवाइड हो रहा है और 462 भी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों संख्या भी आपकी क्या है 11 से डिवाइड हो रही है। तो दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो आपके 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 451 भी 462 भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन भी आना चाहिए था सेकेंड एंड फोर्थ बोथ ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन देना चाहिए था ना सेकेंड एंड फोर्थ बोथ ठीक है। तो आपको समझ में आ गई, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए केवल ठीक है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है आपका, सम अंकों को जोड़ कर लीजिए और विषम अंकों को जोड़ कर लीजिए, उनका सबट्रैक्ट करके अगर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड होगी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है अब 9 के डिविजिबिलिटी रूल का। मैंने आप ये क्वेश्चन आपका आया था उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 8/1/2020 में आया था, मतलब सुपर टेट में आया था। किस में आया था, सुपर टेट में। आपका जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41 7 Z8 क्या बोल रहा है 41 7 Z8 वो किससे डिवाइड हो रही है, 9 से डिवाइड। अब 9 से डिवाइड हमें पूरी संख्या जेड का वैल्यू हम तभी तो निकालेंगे जब हमें पता हो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तब तक हमें पता ही नहीं होगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, यदि सभी अंकों का योग जो है आपका 9 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी आपस में क्या होगी आपकी 9 से डिवाइड होगी। तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल है 9 का, 11 का भी मैंने बताया था 9 का है ठीक है ना। अब मैं एक एक करके आपको सारे बता दूंगा एक वीडियो में ठीक है ना। अब देखिए 417 Z8 है, तो सभी को जोड़ें पहले हम, 4 और 1 5 5 और 7 12 12 और 8 20, तो संख्या क्या होगी 20+Z। अब हमें जेड की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 9 से डिवाइड हो जाए ठीक है। हम क्या रख सकते हैं सबसे छोटी, अगर हम सोचें 9 से कौन सी संख्या जो 20 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है 9 में जो डिवाइड होगी 27, कौन सी आप सोच सकते हैं 27 ही ऐसी संख्या है 9 3 27, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आना चाहिए था 7 आना चाहिए था। इस तरह हम सोच सकते हैं, कितना बढ़िया तरीका है सोचने का। देखिए आप सभी को हमने जोड़ा 20 आ रहा है,
अब 20 के बाद हम ऐसी संख्या सोचेंगे 9 से डिवाइड हो रही है, 20 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड हो रही है, एक 27 ही बचती है। तो 20 में अगर 7 जोड़ दूँ तो 7 क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर सभी अंकों को जो 27 हो जाए तो 9 से डिवाइड हो जाएगी संख्या वो। अगर मैं यहाँ 7 रख दूँ तो सभी अंकों को जो कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। तो ये 27 क्या हो, 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब आप डिवाइड करके देखना चाहें डिवाइड करके भी देख सकते हैं, मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊँ। 41 7 रखने पर 7 8, अगर मैं 9 का डिवाइड करूँ 9 4 36, 5 बचे 7 उतार लेंगे, 9 6 54, 3 है 37 उतार लेंगे, 9 4 36, 1 1 18 उतार, 9 2 18, तो पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह आपको सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन भी आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया गया। ठीक है ना, तो आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सुपर टेट में आया था, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फारेनहाइट पैमाने में ताप क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। फॉर्मूला पता होना चाहिए फारेनहाइट को हम उसमें कैसे बदलते हैं, फारेनहाइट को हम कैसे सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, और फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपका अगर सेल्सियस में दे रखा है तो आप फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सेल्सियस में दे रखा है उसको लिखो पहले आप। ठीक है, आप फॉर्मूला याद करेंगे, आप जो सेल्सियस में दे रखा है उसे लिखिए। ठीक है ना, फिर आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई 9/5 + 32, क्या कर दीजिए 9/5 + 32 और कर दीजिए इसमें। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, इसमें हमारा क्या बदल जाएगा, फारेनहाइट में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, फारेनहाइट में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9/5 कितना हो गया आपका, ऐसे आप उसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको सॉल्व करेंगे इसमें तो आपका जो आंसर आएगा इसमें 98.6 आएगा, कितना आएगा 98.6 आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान है सॉल्व करना, तो आप सॉल्व करके आसानी से देख सकते हैं आपका आंसर क्या आ जाएगा, 98.6 आ जाएगा। ठीक है, आपको बोर्ड मस रूल अपनाना है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे आप, फिर 32 जोड़ेंगे आप, पहले इसको सॉल्व करके 32 नहीं जोड़ते, 37 नहीं जोड़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, बॉर्ड मास रूल अपना के इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 66.6 आएगा, प्लस 32 करेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा 98.6 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं ए और बी के लिए ए की पावर बी इक्वल टू 125 है, ए की पावर बी क्या है हमारी 125 है, तो हम ए और बी की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारा 125 आ जाए। ये सोचिए आप, ए और बी की हम क्या वैल्यू रखें कि हमारा 125 आ जाए। अगर मैं ए की जगह 5 रख दूँ, ए की जगह मैं 5 रख दूँ और बी की जगह 3 रख दूँ, तो कितना आएगा मेरा, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। ये भी क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एग्जाम में आए हुए होंगे या आ सकते हैं, संभावना उनकी 100% होगी आने की। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, जब तक आपका एग्जाम होगा तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल A to Z। आप बस डेली क्लास करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है ना, ए की पावर बी या 5 की पावर 3 अगर मैं रख दूँ तो मेरा 125 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे पता चल रहा है ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब पूछ क्या रहा है, बी की पावर ए पूछ रहा है, अब बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा आप बताइए, 3 की पावर 5 क्या होता है आपका, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 81, मल्टीप्लाई फिर 3 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 आएगा, 3 3 9 81, 9 1 9 9 8 24, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 200 सॉरी ये 3 3 3 3 81, 3 की पावर 5 करना है ना हमें, देखिए एक बार देखिए 3 की पावर 5 करेंगे जब हम, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27 27 × 9, ठीक है 9 7 63 हाथ से लगा 6 9 2 18 6 24, तो 243 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह को सवाल को कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, सवाल का आपको ट्रिक्स पे जाना तो है ये, पर कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए सवाल का, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और आप कॉन्सेप्ट समझ के अभी से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सुपर टेट के एग्जाम में। अब आपका जो एग्जाम आएगा प्राइमरी में, जो आप वैकेंसी निकली है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएंगी आपकी टेट के होते ही, तो ये आपकी जो क्लास है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप डेली देखिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर कलते हैं, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कल। बस आपको क्या करना, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।